हेलो गाइस, सो वी आर बैक अगेन विद आवर न्यू वीडियो। और यार ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू किया जाए। The real job of a social media influencer is to promote peace, love and humanity. 5 minutes later. भगवान नहीं है, कैरी मिनाटी है, वो भी एक influencer ही है। 6 साल मेहनत किया है तो आज उसका नाम हुआ है। अपन 1 साल में मेहनत करके इतना है। बट इसकी बहन की चूत अभी अपना डिस्क आ रहा है, इसको डिस्क करेंगे अपन। तो ये भड़वे को बताऊंगा मैं कि भोसड़ी के तू गाली जो दे रहा है ना, वो गाली में PhD करके बैठे हम लोग ने। उसको तो मैं सीधा यही बोलने वाला हूँ, तेरी माँ को क्या कुत्ते ने चोदा था क्या, जो तू कुत्ते की तरह भोंकते रहता है यहाँ पे यूट्यूब पे भड़वे। क्या कि कैरी मिनाटी सोच, कल को तेरे बच्चे जब स्कूल जाएंगे और टीचर पूछेगी कि तेरा बाप क्या करता है, तो तेरा बच्चा टीचर को क्या बोलेगा कि लोगों की माँ चोदता है और गाली गलौज करता है मेरा बाप। झाटू, उसके बच्चों की टेंशन लेना छोड़ दे, वो वैसे भी इतना फेमस है, क्या पता कल को उसके बच्चों की टीचर भी कैरी की फैन निकले। और भाई तू कैरी की चिंता करना ना बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि बस तू सोच तो बस अपनी सोच, तेरे बच्चे क्या जवाब देंगे यार कि उनका बाप क्या करता है। खैर ये छोड़, वैसे मुझे जानकर खुशी है कि तुझे इतना तो पता है कि कैरी तेरी माँ चोदता है। क्यों किसी का सुनना है, हम खुश है ना हमारे वीडियोस देख के। Correct. तो उन लोग बोलते थे अरे ये रोड साइड रोमियोज है, छपरी लोग है, क्या करेंगे। बट आज के टाइम पे आई गेस अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हियर एंड सब पहचानते हैं। हाँ, सब पहचानते हैं, बस एक बार तू भी ध्यान से देख ले, तेरे हाथ का इशारा भी ना सही से सही हो जाएगा। हाँ हाँ भाई, हम भी तेरी बात से एग्री हैं। तो भाई लोडू नवाब, अपनी सफाइयां देना बंद कर और अपनी सकल का बुम बुम वाली दुनिया में खुश रहना भोसड़ी के। हाँ भोसड़ी वाले, बहुत हंसी आ रही है तुम्हें, लगेंगे तुम्हारे भी लोड़े किसी दिन जैसे कि मेरे लगे हैं। तो चलो देखते हैं फैजल जी के क्या कहने हैं टिकटॉक के बारे में। क्या सुनो, सबको लगता है चलो टिकटॉक ही बनाते, कल को खुदा ना खास्ता बंद हो गया। क्या हुआ, उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था? तू रोएगा पछताएगा। वाह बहनचोद, मतलब इसे पहले से पता था कि एक दिन ही ऐसी चूती हरकत करेगा जिसकी वजह से टिकटॉक बैन होने की नौबत पे आएगा। खैर छोड़ो यार, टिकटॉक तो बैन हुआ नहीं, पर टिकटॉक ने इस भुखड़ी वाले को बैन कर दिया। 2012 में मैं इंडिया छोड़ दिया था जस्ट बिकॉज ऑफ इंडिया का एजुकेशन सिस्टम मेरे को जमा नहीं। निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल, समझा? खाता इधर का गाता है उधर का, मादर चोत, पहली टिकट निकाल और भाग उधर। कि आप लोग कितना हार्ड वर्क किया। निशा ये देखो, तुम इधर रहोगे, मैं सिर्फ ऐसा आऊंगा, खाली कॉन्सेप्ट में चेंज है, तुम ऐसा करके ऐसा हग कर लो। ट्राई करना ना, हग करना सही है ना? हाँ, हग करने पे ज्यादा अच्छा जाएगा। हग करने में ज्यादा अच्छा जाएगा, हग स्लो मोशन में दिखेगा ज्यादा अच्छा लगेगा। वाह चूतिया वाह। पर दोस्तों तुम सबने भी देखा ना कि ये लोडू नवाब कितना हार्ड वर्क कर रहा है, हमें भोसड़ी के बाहर जाके यही सीख के आया है इतना हार्ड वर्क। बीच में ऐसा कभी लगा था कि यार हम लोग ये करके इसको ले जाएंगे कहाँ? सो गाइस, ये बहुत ही सीरियस वीडियो है। इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आवेश दरबार भाई ने मेरे से 50 रुपए लिए थे आज से 50 महीने पहले, लेकिन अभी तक मेरे 50 रुपए नहीं लौटाए। मैं 50 बार उनको कॉल कर चुका हूँ लेकिन उन्होंने 50 बार मेरा फोन नहीं उठाए। अब आप ही बताओ यहाँ तक लेके गया ये, करते क्या हो? हम लोग अपने वीडियोस के थ्रू लोगों को बताते हैं कि रियल लाइफ में तुमको रहना कैसे है, क्या करना है। तो गाइज मेरे पास है आप लोगों के लिए एक नया चैलेंज, ये है अंडा, इसको आपको अपने सर पे फोड़ने का है ऐसे, और फिर ये वीडियो को डुएट करके इंस्टाग्राम की स्टोरी पे मेंशन करना है, और जिसने भी मेंशन किया मैं आपको शाउट आउट दूंगा। मतलब सही है भैनचोद, अंडे लो रियल लाइफ में सिर पे फोड़ो और इस मादरचोद को टैग कर दो। मतलब यार बहुत ही सही है, मतलब भाई तेरी यही हरकत रही ना तो किसी दिन कोई तेरे अंडे नहीं अखरोट जरूर फोड़ेगा। 6 साल मॉस्को में पढ़ के तूने यही चूतिया आप सीखा कि सिर पे अंडे फोड़ लो और अपनी बातों में खुद ही फंस जाओ कि जो तुमने बोला वो तुम्हें समझ ना आए कि तुम बोल के क्या गए हो। यार बहुत ही अजीब है यार तू, पर तेरी इस अजीबो गरीब हरकतों को देख के मैं भी एक अजीब एडवाइस दूं तुझे, अपने आईब्रो ट्रिम करवा ले भोसड़ी के। तो
गाइज आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपसे मैं एक मेन मैसेज आपको दे दूँ कि अभी रिसेंटली फैजल सिद्दीकी की एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ऐसा लोगों को लग रहा था कि वो एसिड अटैक को प्रमोट कर रहा है, बट देखो ये तो हमें भी नहीं पता कि एक्चुअल में वो कर क्या रहा था उस वीडियो में, बट जो लोगों को शो हुआ उस बारे में बता रहे हैं कि देखो जो भी वो प्रमोट कर रहा था वो गलत है। और बाकी इस बारे में ज्यादा इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि उस बंदे ने आकर माफी मांग ली है ऑन कैमरा। तो गाइज मैं कभी ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट नहीं करना चाहूँगा, ना मैंने कभी ऐसी गलत चीज़ों को प्रमोट किया है, और अगर किसी को भी वो चीज़ों के वजह से हर्ट हुआ हो, मेरी कोई भी बहनों को या सारी लड़कियों को, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा उन सभीयों से। वी होप कि यू लाइक दिस वीडियो, और यार अगर वीडियो में कोई भी कमी लगी हो ना तो हमें कमेंट सेशन में बता देना, और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे हमारी आने वाली वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, और जो भी नए यूज़र हैं ये सिर्फ उनके लिए है। और वीडियो में लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो ओके गाइस, बाय गाइस, मिलते हैं जल्दी।